हर हर महादेव दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। पिछले 4-5 दिनों से हम लोग इस कश्मकश में थे कि जब हम लोग मनाली पहुंच जाएंगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज है वो हम लोग कहाँ की स्टार्ट करेंगे, बिकॉज काफ़ी सारी जगहें हैं, काफ़ी सारी प्लेसेज हैं जो हमने सोच के रखी हुई थी, जिसमें से स्पीति आता है, उत्तराखंड आता है, पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश आता है, नॉर्थ ईस्ट आता है, K2K राइड आती है, जम्मू एंड कश्मीर आता है। पर फाइनली अब जाके हमने जो है वो डिसाइड कर लिया हुआ है कि हम जो है वो मनाली से लोअर हिमाचल प्रदेश वाला एरिया जो है वो कवर करेंगे। अब क्योंकि मैं 3-4 दिन जो है बीच में घर भी रह के आया हूँ, साइकिल हम लोग यहीं पर पार्क करके गए हुए थे, तो घर पर गेड़ी काट आए हैं, तो अब 1-2 महीना 20-40-60 डेज की हमारी ये राइड रहने वाली है। और हिमाचल प्रदेश पूरा का पूरा हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, वैसे तो हिमाचल प्रदेश बहुत ज्यादा वास्ट है, बट हमने जो हमारा रूट फाइनलाइज किया हुआ है वो किया हुआ है मनाली से लेके जम्मू एंड कश्मीर तक। और जो बीच में रूट्स आएंगे, सबसे पहले हम लोग जो है बिजली महादेव की यात्रा करेंगे, कल या परसों हम लोग कुल्लू पहुंच जाएंगे, उसके बाद बिजली महादेव की यात्रा करेंगे, फिर जो है उसके बाद मंडी, मंडी के बाद हम लोग पालमपुर, पालमपुर के बाद बैजनाथ, बैजनाथ के बाद कांगड़ा, बीर, बिलिंग, डलहौजी, मकलोड़गंज, ये सारे के सारे एरियाज कवर करते हुए कांगड़ा, देन उसके बाद हम लोग जो है J&K एंटर हो जाएंगे, और उसके बाद हमारी जम्मू एंड कश्मीर एक्सप्लोरिंग की जो सीरीज है वो स्टार्ट करेंगे, और वो हम लोग करेंगे डोमिनार 400 पे। इस समय हम लोग वापस से मनाली इसीलिए आए हुए हैं क्योंकि जब मैं घर गया था तो जो साइकिल है वो मैं यहीं पर पार्क करके गया हुआ था, बिकॉज अगर मैं साइकिल पर जाता तो 20-22 दिन जो है बीच में टूट जाते, तो घर पर जाना जो जरूरी था, कुछ काम था, तो वो हम लोग खत्म कर आए हैं। अभी हमारे पास टाइम है, साइकिल के पास हम लोग वापस आ चुके हैं। अभी इस समय हम लोग जिस जगह पे हैं वो मनाली का जो मॉल रोड है, मॉल रोड से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर 10 मीटर जो ऊपर जाके HDFC का बैंक आता है, वहाँ पे एक होटल है जो कि हमको 100 रुपीज़ में मिल गया हुआ था, बिकॉज अभी जो है समय ऑफ सीजन चल रहा है, तो वो रूम हमने लिया हुआ था, 2 दिन हमने यहाँ पे स्टे किया, रेस्ट कर ली हुई है, अब हम लोग जो है यहाँ से निकलेंगे। ये है जी मनाली का मॉल रोड जो कि इस समय खाली खाली है, बट 2 महीने पहले जब यहाँ पे फ्लड्स वगैरह नहीं आए हुए थे, यहाँ पे पाँव तक रखने की जगह नहीं होती थी, आफ्टरनून में, इवनिंग में, नाइट में तो बुरी हालत होती थी, 2-2 बजे तक मॉल रोड चलता रहता था। बट अभी अगर यहाँ पे आप इवनिंग में आओ, लाइक हम लोग अभी 2 दिन पहले जब पहुँचे हुए थे तो हम लोग 10:30-11 बजे करीब आए थे, यहाँ पर कोई भी नहीं था। तो अभी सबसे पहले हमें जाना है सियाली महादेव, वहाँ पे एक धर्मशाला है मॉल रोड के बिल्कुल साइड पे ही, वहाँ पे हमने स्टे किया हुआ था 3-4 दिन जो है, जीतू भाई, प्रदीप भाई वहीं पे रुके हुए थे, वहाँ पे जो है 50 रुपीज़ पर डे आपसे लिए जाते हैं, बट ग्रुप्स में होंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, अदरवाइज़ अगर आप सिंगल जाते हैं तो समटाइम्स मिल जाता है, समटाइम्स नहीं मिलता है। तो वहीं पे उसी धर्मशाला में हमने जो है हमारी साइकिल भी पार्क करी हुई थी, उनको बता के गए हुए थे कि रोड्स वगैरह ख़राब है, मैं घर जा रहा हूँ तो 4-5 दिन का डिले होगा, तो कोई इशू तो नहीं है, तो उन्होंने एग्री कर दिया था, तो अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं हमारा साइकिल रिसीव करने। धर्मशाला की लोकेलिटी मैं आपको बता देता हूँ, ये सामने जो है बस स्टैंड है, ये मॉल रोड है, और ये है सामने बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके साथ में जो लेन जा रही है ना, यहीं पे अंदर सिर्फ और सिर्फ 30 मीटर का डिस्टेंस आप कवर करेंगे तो धर्मशाला आ जाएगी। लैंडमार्क के लिए अगर किसी को पता ना चले तो एक बहुत ही फेमस मिठाई की शॉप है यहाँ पे, मनाली स्वीट्स करके, बिल्कुल उसके ऑपोजिट ये रही यहाँ पे सियाली महादेव धर्मशाला। ये है दोस्तों सामने सियाली महादेव जी का मंदिर, और ये रही हमारी पुष्पा आफ्टर 7 डेज। पुष्पा हमारे साइकिल के जो टायर्स हैं, फ्रंट वाले टायर में हवा तो ठीक है, बट जो रियर वाला टायर है ना उसकी हवा बिल्कुल ही लीक हो गई है, ख़त्म हो चुकी है। और एक इशू और है कि इसका जो चेन है वो निकल गया हुआ है, और चेन में जो है वो थोड़ी सी रस्टिंग भी लग रही है, वॉश कराते हैं इसको। देवों के देव सियाली महादेव के दर्शन करने के बाद ना हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे, बट तभी अंदर ख्याल आ गया कि अब मनाली में आया हुआ है, अंजनी महादेव जाना था, सोच के निकले थे कि आते टाइम जो है अंजनी महादेव जाएंगे, बट जा नहीं पाए। अभी भी जब हम लोग लद्दाख सीरीज़ करके आ रहे थे तो वहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो बन गया कि हम लोग अंजनी महादेव जा नहीं पाए, तो मैंने सोचा कि अब यात्राएँ स्टार्ट कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, नीचे वाली तरफ तो जाना ही जाना है, फिर ना जाने कब मनाली आना हो ना हो, तो क्यों ना आज जो है यहीं पे स्टे किया जाए इसी धर्मशाला में, और अंजनी महादेव के दर्शन करके आया जाए। सो रूम हमको अलॉट हो गया हुआ है, अकेले को ही ये पूरा का पूरा रूम मिल गया हुआ है, 3 बेड्स हैं यहाँ पे, बट मैं अकेला ही हूँ क्योंकि अभी ना इस समय ऑफ सीज़न क्या, यात्राएं भी लोग कम ही कर रहे हैं धर्मशाला में, लोग वैसे यात्रा वाले ही ज़्यादातर रुकते हैं, तो खाली खाली पड़ा हुआ है। अगर ज़्यादा भरा हुआ होता ना तो मैं अकेला होता तो मेरे को हॉल देते, रूम नहीं देते, बट इस समय जो है मुझे रूम भी मिल गया है। तो अभी सामान जो है वो हमने अंदर ही छोड़ दिया हुआ है, लॉक का इशू है, लॉक हमको नहीं मिला, मेरे पास लॉक था बट जब मैं यहाँ से गया हुआ था ना 5 दिन पहले, तो प्रदीप भाई, जीतू भाई दोनों में से आई गेस कोई लॉक ले गया, कोई बात नहीं, छोटा सा लॉक था, तो अभी बाहर जाएंगे नया लॉक लेंगे, और साथ में जो है भोजन भी कराते हैं, सुबह से हमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ है, उसके बाद वापस आएंगे, लॉक लगा के फिर निकल जाएंगे अंजनी महादेव।
निकल गए हैं दोस्तों हम मनाली से सोलांग वैली के लिए, और मनाली से सोलांग वैली का जो डिस्टेंस है वो 13 किलोमीटर है, और उसके बाद 2 किलोमीटर का जो है वो ट्रैक है। अभी टाइम जो है वो दोपहर के 3:15 हो रखे हैं, तो अभी 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि जाते हुए हमको जो है चढ़ाई आएगी और आते हुए हमको जो है वो ढलान आएगी। आते हुए तो हम लोग 10-15 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। अभी बस 1 घंटे का सफ़र है। हाफ डिस्टेंस हमने कवर कर लिया हुआ है, हाफ अभी भी बचा हुआ है। गर्मी ना बहुत ज़्यादा है, और साथ में साइकिल जो है मैं 1 हफ्ते के बाद राइड कर रहा हूँ ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। 1-2 दिन राइड करूँगा तो वापस से बॉडी जो है वो हैबिचुअल हो जाएगी। इस समय हम लोग पहुँचे हुए हैं नेहरू कुंड के पास, और यहाँ से नीचे वाली तरफ जो है ना पानी है जो कि नेचुरल वाटर आ रहा है, और सब लोग यहाँ से जो आते जाते पानी भरते हैं, तो हम भी भर लेंगे। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग गैलन वाटर बॉटल सब भर के जाते हैं। तो बस पानी पियेंगे, 5-10 मिनट जो है यहाँ पे रेस्ट करेंगे और फिर निकल जाएंगे। साइकिल हमारी में हमने इतना ज़्यादा सामान भी लोड नहीं किया हुआ है, नॉर्मल पावर बैंक वगैरह ही लिए हुए हैं, फिर भी पता नहीं क्यों चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ज़ोर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो चेन है ना इसके ड्राई होने की वजह से एक्स्ट्रा जो है वो दम लगाना पड़ रहा है। सोलांग वैली 3 किलोमीटर्स ओनली, और जब अटल टनल नहीं बनी थी तब ये वाला रास्ता हुआ करता था, यही नेशनल हाईवे था यहाँ से कि पूरा रोहतांग पास से घूम के गाड़ियाँ जाया करती थी। नदी का फ्लो देख रहे हो अभी कितना ज़्यादा कम हो गया है। अभी 15-20 दिन पहले यहाँ पे कोई पत्थर वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं देता था, और ये सारे के सारे पत्थर जो है ना इतने ज़्यादा हुआ नहीं करते थे, ये अभी आए हैं। बहुत बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। पहुँच गए हम लोग सोलांग वैली, और सोलांग वैली जो है वो जब हम लोग 7-8 दिन पहले आए थे तब भी यहाँ पे कोई भी नहीं था, टूरिस्ट कोई नहीं, लोकल शॉप्स भी नहीं है। इस बार भी वही हाल है, तो हमने हमारी जो साइकिल है वो वहाँ पे पीछे वाली तरफ पार्क कर दी हुई है। और एक गलती हो गई है कि मैं साइकिल का जो लॉक है, लॉक तो लेके आया हूँ, लॉक साथ में अटैच था, बट उसकी जो चाबी है वो नीचे धर्मशाला में बैग में ही रह गई हुई है, तो साइकिल जो है वो भगवान भरोसे ही है। ये मेन रोड नेशनल हाईवे, और यहाँ से ये रास्ता जाता है अंजनी महादेव ट्रैक के लिए। ये रास्ता जो है ये पैदल यात्रियों के लिए है, और ये वाला जो रास्ता है ये यहाँ पे ATV राइड्स वगैरह चलती हैं अभी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में खासकर मनाली वाला एरिया जो है यहाँ पे फ्लड्स वगैरह लैंड स्लाइड्स वगैरह है, तो इसीलिए यहाँ पे इस समय सुनसान पड़ा हुआ है। 4 महीने पहले जब हमने मोटो ब्लॉग हमारा जो है वो एक साइट पे रख के ट्रैवल सीरीज स्टार्ट किया था ना, तो जो हमारा फर्स्ट ब्लॉग था, जो हमने फर्स्ट शुरुआत करी थी ट्रैवल सीरीज की, वो अंजनी महादेव से ही करी थी। हालांकि जो अंजनी महादेव वाला हमारा 4 महीने पहले का ब्लॉग था उसके जो व्यूज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम गए हैं, 300-350 के बीच में। आप देखिए 2 लाख+ सब्सक्राइबर्स और 200-300 व्यूज़ आते हैं। रीज़न है, मैंने पहले भी 2-3 बार बताया हुआ है, बट क्योंकि अभी हमारे साथ जब से हमने लद्दाख सीरीज़ करी है तो थोड़ी सी न्यू जनता भी जुड़ी हुई है, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि बिफ़ोर जनवरी 2023 हम लोग जो है वो मोटो ब्लॉगिंग किया करते थे। मोटो ब्लॉगिंग में स्पेसिफिक जो है बजाज डोमिनार 400 से रिलेटेड हम लोग ब्लॉग्स बनाते थे, और मोटो ब्लॉग मतलब वो वाला नहीं जो आजकल मोटो ब्लॉग्स चल रहे हैं जिसमें कि क्यूट गर्ल ने किया ये, क्यूट गर्ल ने किया वो सब नहीं, रोड रेजेस एंड ऑल, ये तो दैट्स नॉट मोटो ब्लॉग, वो एंटरटेनमेंट है। तो उस पे जो व्यूज़ आते थे ना वो ठीक ठाक आते थे, वो 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 तक गए हुए हैं, बट ऑल ऑफ सडन जब मैंने ऑल ऑफ सडन भी नहीं किया, आराम आराम से ही किया, क्योंकि करना हमें जो है शुरू से यात्राएं ही थी, करना हमें जो है शुरू से ट्रैवल ही था, तो हमने जब शिफ्ट किया तो जो वो व्यूज़ थे ना वो बिल्कुल ही डाउन आ गए। मैंने एकदम पीक लेके ना YouTube पे, जब मेरा कैरियर YouTube का जो कैरियर है पीक से, वापस से जब मैंने अपना निश जो है अपना सेगमेंट चेंज किया तो वो वापस से डाउन आया, फिर हम लोग आहिस्ता उठे हैं। अभी फिर अभी भी चल ही रहा है, अभी भी स्ट्रगलिंग फेज ही है। इसीलिए अगर किसी ने भी कभी चैनल विजिट किया होगा तो उनको दिखा होगा कि जो मोटो ब्लॉग वाले बाइक से रिलेटेड ब्लॉग्स हैं वो थोड़े से हाई जाते हैं व्यूज़ के मामले में, और जो ट्रैवल वाले हैं चाहे वो बनारस के हों चाहे अंजनी महादेव के हों, कुछ कुछ जो है मणिमहेश कैलाश यात्रा हमने करी, अमरनाथ यात्रा हमने करी, वो सब डाउन है, क्योंकि जो जनता थी, जो ऑडियंस थी वो मोटो ब्लॉग वाली ज़्यादा थी। तो अब जो है ऐसा वापस से ट्रैवलिंग वाली बन रही है। हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं। मैं थोड़ा सा जो है वो यात्रा करना ज़्यादा पसंद करता हूँ इंस्टेड ऑफ जो टूरिस्ट प्लेसेस रहती हैं उनके कंपैरिजन में, पर अभी के लिए हम लोग उस वो यात्राएं करने के लिए जो हमने सोची हुई हैं उसके लिए सक्षम है नहीं इस समय। अब देखिए मैंने कितना ज़्यादा जो ट्रैवल की कॉस्ट है वो कितनी ज़्यादा मिनिमाइज़ कर ली हुई है। कैंप्स में रहते हैं, टेंट्स में रहते हैं, ठीक है, साइकिल चला रहे हैं, बाइक वगैरह छोड़ दिए जस्ट बिकॉज ऑफ की पेट्रोल कॉस्ट, मेंटेनेंस एंड ऑल, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, पर कोई नहीं, ये सब चलता रहता है, अप डाउन चलता रहता है। लेकिन हाँ, जिस दिन जो है चैनल पे 10,000 व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे, वापस से पुराना वाला टाइम आ जाएगा, उसके बाद हमने ये सोचा हुआ है कि हम लोग सबसे पहले जो है वो 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा और जो बड़ा 4 धाम यात्रा है वो करेंगे। हालांकि उसमें जो है थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ट्रैवलिंग, देखो ट्रैवलिंग
पैसा तो लगता है ट्रैवल करने में, पर फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि कम से कम बजट में जो है वो हम लोग कैसे कर पाएँ। अब देखिए, अगर मैंने 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा करनी है और चारधाम यात्रा करनी है तो ऑल ओवर इंडिया पूरा ट्रैवल करना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा अभी के लिए कंट्रोल रखा हुआ है। इसलिए हम लोग नियर बाय जो प्लेसेज हैं वहीं पर ज़्यादा एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, वहीं पर ज़्यादा यात्रा और घूम रहे हैं। जैसे ही थोड़ा सा चैनल जो है वो वापस से स्टेबल हो जाएगा फिर करेंगे हम लोग बवाल। चलिए चलते हैं, होगी रेस्ट। और कई लोगों को वैसे नहीं पता होगा बट अभी हमने जो है चारधाम यात्रा शुरू करी थी, तो जिस समय हमने चारधाम यात्रा शुरू करी थी तो चारधाम यात्रा कंप्लीट करने के बाद, उत्तराखंड वाली चारधाम यात्रा, तो उसके बाद मेरे प्लान थे कि मैं जो है पंच कैलाश यात्रा और पंच केदार यात्रा करूँगा, पर हमारा जो गोप्रो है वो चोरी हो गया था केदारनाथ में, जिसकी वजह से कि सब कुछ इधर उधर हो गया, क्योंकि एक बजट रहता है ना। मैंने थोड़ा प्लान किया हुआ था कि कैसे कैसे किस टाइम पे क्या चीज़ लेनी है। अभी मेरा जो नेक्स्ट प्लान था वो इंस्टा 360 कैमरा लेने का था, उसके बाद ड्रोन का था, बट गोप्रो चोरी, गोप्रो वो भी ऐसा नहीं कि सिर्फ गोप्रो, पूरा का पूरा कंप्लीट सेटअप वो गया, और अभी तक हम कितने टाइम हो गया, 3 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक वो सारा का सारा सामान जो है मैं वापस से बना नहीं पाया हूँ। सिर्फ एक स्टिक लिया है, एक माइक लिया है और जो है साथ में एक गोप्रो है। पर एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी है अपने एक्सपीरियंस से कि अगर आप थोड़ा सा वक्त दोगे ना, टाइम दोगे, टाइम के हिसाब से चीज़ें वापस से हील भी हो जाती हैं, तो वक्त ही दे रहे हैं बस, और क्या कर सकते हैं। सो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया हुआ है और सिर्फ 1 किलोमीटर डिस्टेंस और बचा हुआ है, और उस वाली पहाड़ी के बैक साइड पर जो है वो अंजनी महादेव है। ये जो रिवर नीचे आपको दिख रही है, ये रिवर का नाम है अंजनी, अंजनी रिवर। और अंजनी महादेव जो है, जितने लोग भी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, हालांकि ज़्यादातर आजकल लोग कास्ट रिलीजन ये सब में ज़्यादा घुसे हुए हैं, तो शायद से जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि अंजनी महादेव जो है वो पवनसुत हनुमान जी की माता जो है, अंजनी माता, उनके नाम पर ये मंदिर का नाम रखा गया है। पहले यहाँ पर एक लकड़ी का पुल हुआ करता था जो कि अब है नहीं, शायद से जो फ्लड्स वगैरह आए हैं यहाँ पे भी उसका प्रभाव हुआ है, तो अभी हमें जो है ये वाला एरिया पार करना पड़ेगा, जगह ढूंढनी पड़ेगी कोई। आते हुए तो हमने छलांग मार के पार कर लिया, जाते हुए क्या करेंगे, कोई नहीं, कोई और रास्ता देखेंगे, ऊपर वाली तरफ से भी लग ही रहा है, पहले ऊपर पहुंचते हैं। अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे मुझे मेरे एक दोस्त ने जो है वो एक स्क्रीनशॉट शेयर किया गूगल का, तो उस पर ना अगर आप द डोगरा राइडर करके गूगल पे सर्च करेंगे तो 3-4 जो सर्च हिस्ट्री है वो आती है, उसमें से एक आती है द डोगरा राइडर्स कास्ट। बड़ी आई एम अबव दिस कास्ट एंड रिलीजन थिंग, आई एम अ प्राउड सनातनी, और सभी धर्म जो हैं वो सनातन धर्म से ही निकले हुए हैं। कास्ट ने जो है काफ़ी सारी चीज़ें हमारे देश में, हमारे समाज में जो है वो ख़राब करके रखी हुई हैं। देर इज़ अ रीज़न कि जितनी भी ये सभा है, जितनी भी ये कम्युनिटी स्पेसिफिक रहती है ना, छोड़िए ये सब, कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिलेगा हमको जो कि थोड़ा सा जेन्युइन होगा, तो वहाँ पे जाके किसी दिन अच्छे से ब्रीफली ये सब चीज़ें जो है डिस्क्राइब करेंगे, मेरे थॉट्स क्या हैं वो सब आपसे शेयर ज़रूर करेंगे। अभी के लिए मैं आपको बता रहा था अंजनी महादेव जी के बारे में। ऐसी मान्यता है कि अंजनी माता जो है उन्होंने यहाँ पर तपस्या करी थी पुत्र प्राप्ति के लिए महादेव जी को, और महादेव जी ने जो है उनको यहाँ पर दर्शन भी दिए हुए थे, तो वहाँ पर ये शिवलिंग है और उसी से इसका नाम जो है, इस जगह का नाम जो है वो अंजनी महादेव पड़ा हुआ है, और ये जगह जो है ये बुरवान वैली में पड़ती है। यहाँ पे काफ़ी सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी थे 4 महीना पहले, और काफ़ी सारी चीज़ें होती थी। ये भी एक था जिस पे कि स्प्रिंग लगा के आपको बंजी कॉर्ड से उछाल दिया जाता है, पर अभी सब बंद है, एक दुकान तक नहीं है, एक दुकान छोड़ो एक इंसान तक नहीं है यहाँ पे। ये साइन बोर्ड लगा हुआ है अंजनी महादेव जी का, ये यहाँ पे ऊपर जो है ये मंदिर है, और ये रास्ता जाता है ऊपर शिवलिंग के लिए। आपको थोड़ा थोड़ा वाटरफॉल भी दिखाई दे रहा होगा, अभी जाएंगे वे टू शिवलिंगम। तो 4 महीने पहले जब हम लोग यहाँ पे आए थे ना, तो ये पूरा एरिया जो है ना ये बर्फ़ से गिरा हुआ था। हालांकि उस टाइम पे जो स्नो वाला सीज़न है वो इतना नहीं था, बट अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर जनवरी तक के बीच का जो टाइम है, उस टाइम पे इस पूरे के पूरे इलाके में ना हर जगह पे स्नो ही स्नो होती है। इस जगह को जो है वो मनाली का अमरनाथ भी बोला जाता है, क्योंकि जैसे अमरनाथ में बाबा बर्फानी के वहाँ पे शिवलिंग का आकार बनता है ना बर्फ़ से, वैसे ही जब स्नो पड़ती है यहाँ पे तो ऊपर से जो वाटरफॉल है उसके आने से, और पूरा का पूरा जो एरिया है वो बर्फ़ से घिरा हुआ होता है, बट जो शिवलिंग है वो प्रॉपर बना होता है स्नो का। स्नो की वजह से ही जो ऊपर तक है ना, वहाँ तक जो है सब लोग जूते पहन के जाते हैं, बिकॉज़ ये जो सीढ़ियाँ हैं ये भी समटाइम्स नहीं दिखती हैं, ये भी कवर होती हैं, बट यहाँ तक जो है वो जूते आपके उतार के यहाँ से जाना चाहिए। जब मैं आया था तो मैं काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड भी हो गया, काफ़ी सारे लोगों से मेरी जो है बहसबाजी भी होगी, बिकॉज़ यहाँ तक तो चलो लोग जा रहे ऊपर शिवलिंग तक, उस जगह पर मैं आपको जाके बताता हूँ, वहाँ तक शिवलिंग के पास, शिवलिंग के ऊपर वहाँ पर भी लोग जो है वो जूते पहन के जा रहे हैं।
शर्म ही नहीं है लोगों को। ओए क्यूटी पाइस क्यूटी पाइस क्यूटी पाइस, चलो चलो चलो, बहुत ज्यादा एक्टिव है तुम लोग, बहुत 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 बहुत, ओ गिर गया, बहुत 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 बहुत, आजा आजा आजा। ये है जी पवन सुत हनुमान जी की मूर्त, और ये रहा जी वाटरफॉल। अभी आपको शिवलिंग के दर्शन कराएंगे, बट उससे पहले सबको पता ही है कि नंदी जी बैठे होंगे महादेव के बिल्कुल सामने। जय हो। एक नंदी जी यहाँ पे हैं, एक नंदी जो हैं वो बिल्कुल शिवलिंग जी के पास में होंगे। देखिए नज़ारा, शंभो। अभी तो यहाँ पे रस्सियाँ बांधी हुई हैं, बट लोग जो हैं जूते लेके वहाँ आगे तक चले जाया करते थे। शर्म ही नहीं है कुछ लोगों को ना, धार्मिक स्थलों को इन्होंने पिकनिक स्पॉट बना के रखा होता है कहीं ने। महादेव का एक ऐसा शिवलिंग, यहाँ प्रकृति यहाँ कुदरत स्वयं करती है महादेव का जल अभिषेक। अब मुझे खुद बताओ कि मैं कैसे मोटो ब्लॉगिंग जो है वो कंटिन्यू रखता, जबकि असली सुकून जो है वो तो ऐसी वाली जगहों पे आके ऐसी वाली जगहों पे यात्रा करके मिलता है। ये सुकून सच में मिलता है आज से नहीं, आप देखिए तभी मैक्सिमम जितना भी टाइम है जितना भी ट्रैवल है मैं ऐसी वाली जगहें ही ढूंढता रहता हूँ हर कहीं जाके, कि कहीं ना कहीं मुझे जो है ऐसी कोई धार्मिक स्थल मिल जाए, ऐसी कोई धार्मिक जगह मिल जाए, बहुत ज़्यादा शांति मिलती है यहाँ पे। और अभी तक हम लोग जो है ना 3 बार अंजनी महादेव आए हैं, बट ये वाली जो हमारी यात्रा है सबसे बेस्ट रही, बिकॉज एक इंसान तक नहीं दिखाई दिया, कोई भी नहीं था, बस कुदरत ही कुदरत, पानी, वाटरफॉल्स एंड ऑल, और बीच में जो है ये छोटे छोटे प्यारे 3 बच्चे भी दिखाई दिए, अभी जाते हुए फिर दिखाई देंगे। एक तो पूरा हस्की जैसा लग रहा है। ओए हस्की हस्की अचकी 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 अचकी, नोचो 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 नोचो, बाय 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 बाय। अगली बार आऊंगा तुम लोग बड़े बड़े हो चुके होंगे ना, है ना है ना है ना है ना है ना है ना। तीसरा वाला कहाँ गया, कहाँ गया मेरा मैक्शू, मैक्शू कहाँ मेरा मैक्शू, मैक्शू मैक्शू, बाय बाय। हम आए हुए थे अभी सोलांग वैली में कंचन नाग देवता जी के मंदिर में माथा टेकने, 2 मंदिर है यहाँ पे उनके। सोलांग वैली यहाँ पे इतनी ज़्यादा चहल पहल रहती थी ना, पूरा का पूरा ये एरिया जो है क्राउड ही क्राउड रहता था। हर जगह पे आपको अलग अलग जगह पे एडवेंचर स्पोर्ट्स मिल जाएंगे। ये ऊपर जो है गंडोला राइड जाती है, यहाँ वाली तरफ से ऊपर से जो है आपको बहुत सारे पैराग्लाइडिंग करते हुए लोग दिख जाएंगे। और अब देखो यहाँ पे क्या हालत है, कुछ भी नहीं है, बस कुछ गायें हैं, एक प्यारा सा यहाँ पे पपी है, बस एक ना ये खुला है रोपवे एंड स्काई सेंटर जो है ये वाला खुला है, बट गंडोला राइड मुझे जाती हुई दिख नहीं रही, आई गेस वो जो है बंद होगी, टूरिस्ट ही नहीं है कोई, क्या करेगा। किसी ने सोचा था कि मनाली का ये हाल, जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोकल से मैं मिल रहा हूँ, होटल वालों से ढाबा वालों से, कह रहे हैं कि हमने ऐसा कभी सुना था कि पता नहीं कितने साल पहले। मैंने सोचा तो था कि वापस जाते हुए ना जोगनी फॉल्स जाएंगे, पर अभी अंधेरा हो जाएगा, व्यूज़ नहीं आएंगे बिल्कुल भी। वशिष्ठ टेम्पल जो है हम लोग इस बार इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वशिष्ठ टेम्पल जो है ना वहाँ पे हॉट स्प्रिंग है, और समर्स में नहीं विंटर्स में जब कभी हम लोग सर्दियों में यहाँ पे आते हैं ना तो नहाने का मन नहीं करता, जब कोई हमने कैंपिंग वगैरह करनी हो, अगर होटल लिया हो गीज़र वगैरह है तो अच्छी बात है, पर जब नहीं लिया होता तो वशिष्ठ में जाके हम लोग स्नान करते हैं, हॉट स्प्रिंग है वहाँ पे। तो अभी नहीं जा रहे, अभी यहाँ से सीधा निकल जाएंगे हम लोग मनाली सियाली महादेव, जहाँ पे कि हम लोग रुके हुए हैं, क्योंकि रात हो जाएगी और साइकिल में जो है वो लाइट नहीं है। आज हमने जो है अंजनी महादेव के दर्शन कर लिए, कल हम लोग जो हैं वो सुबह सुबह कुल्लू के लिए निकल जाएंगे, और सब अगर एज पर प्लान रहा, सब ठीक रहा, तो परसों आपको जो है बिजली महादेव के दर्शन कराएंगे। तो मिलते हैं अब आपसे अगले ब्लॉग में, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, शिव शंभो।